अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बन रहे हैं न्यूटेला फिल्ड डोनट्स, जिनको इटालियन डोनट्स भी कहा जाता है और बोम्बलोनी डोनट्स भी कहा जाता है। तो उसके लिए हमें चाहिए मैदा 500 ग्राम, दूध हमें 200 ग्राम चाहिए, ना दूध ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, और बटर हमने रूम टेम्परेचर लिए 50 ग्राम, शुगर है 60 ग्राम, सॉल्ट 7 ग्राम, ईस्ट हमने ली है 8 ग्राम, और हमें चाहिए दो रूम टेम्परेचर पे दो एग्स। इस मशीन के अंदर, स्टैंड मिक्सर के अंदर, अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप हाथों से भी कर सकते हैं। मैं इसके अंदर 6 से 7 मिनट तक इसको गूंदूंगी डो को। अगर आप मैनुअल अपने हाथों से करें तो आप 12 मिनट तक करेंगे। तो हम सबसे पहले अपने मिक्सर में डालेंगे दूध, फिर हम डालेंगे ईस्ट, चीनी, और हम इसको सेट होने देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमारी ईस्ट है वो एक्टिव हो जाए। और हमें इस तरह पता चलेगा ईस्ट एक्टिव हो गई है जब इसके अंदर बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तो, और स्मेल आना शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब है हमारी ईस्ट एक्टिव हो गई है। जो 500 ग्राम हमने लिया था, नमक 7 ग्राम, बटर डालेंगे हम लोग 50 ग्राम, तो हमने दिए थे रूम टेम्परेचर पे। अब हम इसको बीट करेंगे 6 से 7 मिनट तक, ताकि ये जब किनारे छोड़ जाए डो जो है, और हमारी मशीन का बॉल जो है वो बिल्कुल साफ हो जाए और एक सॉफ्ट और स्मूथ सी हमारी डो बन जाएगी। हमारी डो तैयार हो चुकी है, तो अब मैं सरफेस पे थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करूँगी, ताकि इससे मैं अपनी डो को स्मूथ करूँगी। देख सकते हैं हमारी डो बिल्कुल स्मूथ हो गई है। मैंने उसको एक पेड़े की शेप में दे दी। अब मैं इसको उठा के, ये मेरा बाउल है, इसके अंदर मैंने इसको ऑयल से, इसको स्लाइटली सा मैंने इसको ग्रीस किया हुआ है पहले से ही, और अब मैं इसको रेस्ट करने दूंगी इस डो को, जब तक ये डबल इन साइज ना हो जाए। इसको कवर करके हम रखेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी जब ये डबल हो जाएगी। सकते हैं कि हमारी डो बिल्कुल डबल इन साइज होगी, बिल्कुल फूल गई है, देखें कितनी सॉफ्ट है। एक ट्रे के ऊपर बेकिंग पेपर और थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट किया हुआ है, और अब हम इसको रोल आउट करेंगे, ठीक है, अपनी डो को। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है डो। अपनी रोलिंग पिन पे करेंगे, और हमें डो को ज़्यादा पतला बेलना नहीं है। अगर आप ज़्यादा पतला बेलोगे तो इससे ये होगा कि आपके डोनट्स बहुत ज़्यादा खुश्क और हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। और कोई भी कटर या कोई ग्लास वगैरह लेके उससे हम अपने डोनट्स को कट करना शुरू करेंगे। और आप इस डो को दोबारा मतलब फोल्ड करके, और दोबारा अगर मतलब ये जैसे वेस्ट हो रहा है, अगर आप इसको दोबारा मतलब फोल्ड करके और दोबारा आप कहें कि इसमें से हम और डोनट्स निकाल लें, तो वो ये होगा कि वो डोनट्स की जो डो है वो दोबारा आपस में मिलेगी नहीं, तो इसलिए इसको आप दोबारा री रोल्ड नहीं कर सकते इस डो को। और जितने हो सकें आप इसमें से डोनट इसी टाइम पे कट आउट कर लें। जैसे अब ये स्टार वगैरह की शेप का है, तो आप इसको मतलब छुरी से काट के आप इसमें इसको आप फ्राई कर सकते हैं। और इस साइड पे हम इनको ट्रे के अंदर लगाते जाएंगे और इनको दोबारा 35 मिनट्स के लिए दोबारा हम
राइज होने के को रखेंगे। जब ये दोबारा 35 to 45 मिनट्स के अंदर ये दोबारा जो है ये डबल इन साइज़ हो जाएंगे और तब हम इनको फ्राई करेंगे, ठीक है। और आप इसको कवर करके रखेंगे, ठीक है, ताकि इसकी जो डो है वो खुश्क ना हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने सारे डोनट्स को कट आउट करके इस ट्रे में लगा दिया है। हमें इसको 35 to 45 मिनट्स के लिए इनको दोबारा रेस्ट करने रखूँगी इनको कवर करके, और जैसे ही ये डबल इन साइज़ होंगे तो मैं इनको फ्राई करूँगी। तो मैं इनको अब कवर करके वार्म प्लेस पे रखने लगी हूँ दोबारा राइज होने के लिए। देख सकते हैं कि मेरे सबके सब डोनट्स जो हैं वो डबल इन साइज़ हो गए हैं। तो अब मैं इनको 170 सेल्सियस के ऊपर फ्राई करूँगी, ठीक है। तो अब मैं एक एक डोनट्स को उठा के फ्राई करती जाऊँगी। देखें, और इनका टोटल टाइम है 4 मिनट्स, ठीक है। आप इनको एक साइड पे 2 मिनट्स देंगे, फिर दूसरी साइड पे इनको 2 मिनट्स देंगे। टोटल इनका टाइम है 4 मिनट्स, और जैसे ही गोल्डन ब्राउन होते हैं आप इनको निकालते जाएंगे। आपने इनको ज़्यादा नहीं फ्राई करना, ओवर फ्राई करना, क्योंकि फिर जल भी जाते हैं और डोनट सबसे जल्दी फ्राई होती है चीज़। मैं सारे डोनट्स को फ्राई कर लिए, अब मैं एक एक को उठाऊंगी, और ये शुगर है, कैस्टर शुगर, मैं इसके अंदर इनको रोल आउट करती जाऊंगी, और ये आपको फौरन फ्राई करने के बाद करना है। शुगर की कोटिंग कर ली है, ये मैंने पाइपिंग बैग के अंदर न्यूटेला फिल की है। किसी भी आप स्टार नोज़ल के साथ आप पाइपिंग बैग के अंदर न्यूटेला फिल करके रख लें। अब आप ऐसे डोनट लेंगे, उसके अंदर आप किसी भी नाइफ के साथ ऐसे होल करेंगे ताकि आप इसके अंदर न्यूटेला फिल कर सकें। अबाउट 1 टेबल स्पून टू 2 टेबल स्पून आप इसके अंदर न्यूटेला फिल करेंगे। आपको जितनी पसंद हो आप उतनी इसके अंदर फिल इन कर लें। डोनट्स के अंदर न्यूटेला फिल कर ली है, और अब मैं आपको एक खोल के दिखाऊंगी कि अंदर से कैसे दिखते हैं। ये देख सकते हैं आप, न्यूटेला पूरी तरह फिल। डोनट्स की रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।